चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है, ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं याकूब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ रा बाबा शांत अली जाला दलाबा लो ब्रा ला बा शांत अली जाला बारा बा शेंद अली जाला दराबा ला ब्रदी ला ब्रदी ला ब्रदी ला ब्रदी ला दी शेंग रा ता शाला बराबा ला ब्रदी जाला बराबा जेंद ला दरा बरा 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 बा शेंद थाला बा लाग री दी ला रे ले 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 रे बा शांग रा बा ला ब्रदी अंदा ला ना ना ला दा ला 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 बरा बरा बा शांत थाला बा ओ रा बाबा शांत ओरा बाबा शांतली जारा बा शेख दोस्तों ला ब्रदी जान दरी जेरा बा शांत ले दे 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 से ला दरी दला दे दरी दला 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 ला बा 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 शांत ले दे ओरा बाबा शांत ले दे 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 सा ओरा बाबा शांत ले दे 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 सा ओरा बाबा शांत ले दे 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 सा ला दे दे दा 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 बा शिंग कतला बा ला दे जो रो बहु जागा ले दे 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 दा शुक्र ला दे 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 बा शांत ला बा सों को तो स्टोर बा शिंग ता अस्ता हरे बो ला अस्ते रे बो स्ट आ रा करते स्टोर बो स्ट अंदा ली दे हे बे ला ब्रदी जा ला बरा बरा बा रा दा 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 बा बदला 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 बा शिंग ला गा दा ला दे 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 ओरा बाबा शांतली जहां लदा दले ओला दले 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 ला दले 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 ला दले 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 दा शेना खांडाला बाशों तो ला बदी जाला बरा बाला 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 बाशें तला बा ओम रदी जाला दली जाला दली जाला दली जाला दली जाला दा शुतो ओरा बाबा शांखती साला बा ला बदी जान दली जाला दा दा जेले दले 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 जान दला दा मांडली जान लदा जेरे बाला बरा 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 शिकते ओरा बाबा शांत थी सत्य थे पे बे लाब्रदी जिन दुदुबु ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे परमेश्वर। धन्यवाद, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से सब कुछ है संभव, मैं जीता विजय में सब कुछ मेरा। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं।
हेलो बच्चों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का माँ के साथ। आइए माँ का स्वागत करें तालियों के साथ। ये समय है वास्तविकता संग्रह का और आज दिन रविवार 15 अक्टूबर और वचन है बुद्धिमान बनो। नीति वचन 22:3। एक बुद्धिमान मनुष्य आगे आने वाली कठिनाइयों को देखता है और उनके लिए तैयारी करता है। बुद्धिमानी एक महत्वपूर्ण गुण है जो परमेश्वर की हर संतान के पास होना चाहिए। जब आप बुद्धिमान हैं, तब आप विवेकशील हैं और आपके पास हमेशा सही निर्णय लेने की योग्यता है। सुलेमान एक बुद्धिमान और विवेकशील राजा था। वह दूसरी वस्तुओं पर अपना धन खर्च कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने परमेश्वर के लिए एक घर बनाने में इसका इस्तेमाल करना चुना। बुद्धिमान बनने का तरीका है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जितना अधिक समय आप अपनी बाइबल का अध्ययन करने में बिताते हैं, उतना ही अधिक बुद्धिमान आप बनते हैं और आप और अधिक बुद्धिमान बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। जैसे ही मैं इसका अध्ययन करता हूँ और इस पर मनन करता हूँ, वैसे ही मैं और अधिक बुद्धिमान और अत्यधिक विवेकशील बनता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। वचन अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं नीति वचन 16:21। हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? तो ये मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, हाई फाई के साथ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सबका स्वागत करें, कहीं आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि अब तक आपको बहुत मजा आया, आपने बहुत कुछ सीखा है और ये समय है वचन का। हालेलुया। और आज का जो हमारा विषय है वो है आत्मविक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आपने सोचा कि अगर कोई परेशानी आ जाए या कोई मुश्किल स्थिति आ जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कभी आपने अपने आप से पूछा कि मैं क्या करूंगा? हालेलुया। चलिए एक राजा की कहानी देखते हैं कि उसने क्या किया जब उसके जीवन में बहुत बड़ी चुनौती आई। हालेलुया। चलिए हम बाइबल पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से अपने बाइबल को ला सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय पहले से 5 वचन लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और अमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो हम देखते हैं जो राजा हिजकिय्याह है ना, वो बहुत बीमार था और भविष्यवक्ता यशायाह है ना उसके पास पहुंचता है और कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि
है ना, अपने परिवार राज्य के लिए जो भी बोलना है सबको बता दो, क्योंकि तुम मरने वाले हो, तुम नहीं बचोगे। सोचिए कि स्वयं परमेश्वर के द्वारा है ना ये बात उस तक पहुंच रही है। यशाया भविष्यवक्ता है ना, उसने क्या कहा कि परमेश्वर ये कह रहे हैं हालेलुया कि तुम मरने वाले हो, बचोगे नहीं। सोचिए कैसी स्थिति थी, क्या आपको पता है ऐसी स्थिति में राजा ने क्या किया? चलिए पढ़ते हैं। तब उसने वित्त की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की। भले वो जो संदेश है ना, वो यशा यहां जो संदेश लेकर आया था परमेश्वर की ओर से था, उसके बावजूद भी वो प्रार्थना करने लगा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा, हालेलुया। और देखिए उसकी प्रार्थना की वजह से क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अब जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की है ना, और जो भविष्यवक्ता अपना संदेश देके बहुत दूर पहुंचा भी नहीं था कि परमेश्वर ने दोबारा उससे बात की। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, देखिए कि तू लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, प्रेज द लॉर्ड, और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कितना महान चमत्कार यहाँ पर हुआ। प्रेज द लॉर्ड, राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, उसे पता था ये जो परेशानी इसका समाधान सिर्फ परमेश्वर के पास है, हालेलुया। वो विश्वास, आत्मविश्वास से भरा हुआ था है ना, वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास गया और उसने प्रार्थना की, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे कि या नहीं सुनेंगे, या जो मैं मांगने वाला हूँ क्या परमेश्वर उसे कर सकता है या परमेश्वर उसे करना चाहेगा नहीं, उसने ये सारी चीजें वहां पर नहीं सोची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि हम सब ने साहस को ग्रहण किया जब हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, और हम भी साहस के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं जब हम किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, चाहे वो अपने जीवन में हो या हमारे रिश्तेदार पहचान वाले, हमारा शहर देश और कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, हम साहस के साथ परमेश्वर के पास जाकर क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया, और अपने प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख रख सकते। याद रखिए परमेश्वर एक प्रेम करने वाला दयालु और महान परमेश्वर है। कभी मत सोचिए कि जो मैं मांगने वाला हूँ क्या वो बहुत बड़ा है, क्या परमेश्वर उसे करेंगे या परमेश्वर उसे करना चाहते हैं या नहीं, है ना, प्रार्थना है ना, प्रार्थना करना जरूरी है, हालेलुया, हमारा काम है प्रार्थना करना, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप इस विश्वास के साथ करते हैं कि जब मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर ना केवल मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं, हालेलुया। और यही चीज हमने हिजकिय्याह के भी कहानी में देखा कि परिस्थिति कितनी कठिन थी है ना, परमेश्वर ने स्वयं
अपने भविष्यवक्ता को भेजा था ये बताने के लिए कि वो मरने वाला है, हालेलुया। पर उसके बावजूद हिजकिय्याह है ना, साहस के साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है ना, परमेश्वर के सम्मुख गया प्रार्थना करने। उसे पता था परमेश्वर दयालु है, महान है, वो मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे, हालेलुया। कई बार लोग प्रार्थना ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि पर ये बहुत, जो मैं मांग रहा हूँ बहुत बड़ा है, जो मैं कहने वाला हूँ शायद परमेश्वर नहीं करेंगे, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। और ऐसा सोचकर कई बार लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं। नहीं, ये गलत है। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, हालेलुया। हम साहस के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ हमारे परमेश्वर नहीं, वो हमारे पिता है, हालेलुया। वो प्रेम करने वाले, दयालु और अद्भुत महान पिता है, प्रेज द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर को हमारे लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो उन्होंने कभी किसी के लिए भी नहीं किया हो, है ना, और हमारे लिए अगर करना पड़े तो परमेश्वर उसे हमारे लिए जरूर करेंगे, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं साहसी रहिए, है ना, आत्मविश्वास से भरे रहिए, हालेलुया। अपने निवेदन को रखते समय है ना सुनिश्चित रहिए, हालेलुया। विश्वास कीजिए कि ना केवल परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे पर वो मेरी प्रार्थना का उत्तर भी देंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने आपको, बहुतों को नहीं पता कि परमेश्वर ना केवल प्रार्थना को सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं, हालेलुया। और निर्भीकता के साथ है ना, और आत्मविश्वास से भर कर परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर, है ना, क्योंकि वो ना केवल हमारे परमेश्वर पर वो हमारे पिता भी हैं, है ना। बहुतों को नहीं पता, इसलिए जरूरी कि हम लोगों को बताएं कि वो प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वो प्रार्थना के द्वारा चीजों को बदल सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए हमें डरने की जरूरत या घबराने की जरूरत या संकोच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हालेलुया, है ना। ये कितनी कितनी अद्भुत बात, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी बताया है अपने दोस्तों को, परिवार वालों को जरूर बताए, है ना, उन्हें उत्साहित करे कि जब वो प्रार्थना करे विश्वास से भर कर करे, है ना, जब वो प्रार्थना करे विश्वास के साथ करे, है ना, कि परमेश्वर ना केवल उनकी प्रार्थना को सुनेंगे पर उसका उत्तर भी देंगे, हालेलुया। और इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, है ना, पहचान वालों के साथ शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का है, जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर मेरे पीछे इस घोषणा को बोल सकते हैं। बोलिए, प्यारे प्रभु यीशु, मुझे प्रार्थना के महत्व को सिखाने के लिए आपका धन्यवाद, आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अब तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना प्रभु बना सकते हैं, अपना दोस्त बना सकते हैं, हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर जो मैं प्रार्थना बोलने वाली हूँ उसे अपने मुंह से और अपने हृदय में विश्वास करके जरूर बोलिएगा, ये बहुत जरूरी है, हालेलुया। चलिए, जहां कहीं पर भी है खड़े हो सकते हैं,
हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर मेरे पीछे बोलिए, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Praise the Lord, Hallelujah। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। Hallelujah, Praise the Lord। और ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, जिन्होंने अपना जीवन आज प्रभु को दिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान के इनके जीवन के प्रति अधिकार, यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा। ये सुरक्षित है, दैवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। धन्यवाद, सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है जहाँ पर हम अपने भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर की जैसे ही हमें दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. मुझे विश्वास है आप सबको आज बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा, इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जो कुछ भी आज सिखाया गया है अपने दोस्त परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, 27, 28 और 29 अक्टूबर को हमारा हीलिंग का प्रोग्राम, चंगाई का प्रोग्राम है हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के साथ। हालेलुया। डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो बीमार है, उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बताएं, उन्हें बताइए कैसे वो रजिस्टर कर सकते हैं। डिटेल्स आपके पास है और आप भी इस मीटिंग को जरूर 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 देखिएगा। ये ऑनलाइन होगा, प्रेज द लॉर्ड। और आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर लोगों को चंगा करते हैं। वाकई परमेश्वर दयालु और एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब व्यक्ति स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम
अगर किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो बीमार है, उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में जरूर हम बताइए। तो जाइए सबको बताइए, 27, 28 और 29 अक्टूबर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम, दया, कृपा, भलाई, वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। जहां कहीं पर भी है, खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद करके हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, कृपा, आपके वचन, आपके आत्मा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वे कहते हैं प्रभु कि आपकी बुद्धि, समझ की आत्मा उनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। हर बच्चा एक चैंपियन है प्रभु, हर काम में वो एक्सेलेंट है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस विश्व की हर प्रकार की बुराई, दुष्टता, बुरे लोग, बुरे संगति से, बुरी आदतों से हर बच्चा सुरक्षित है प्रभु। वो आपके वचन के द्वारा जी रहे, वचन के द्वारा मार्गदर्शित है। उनके पास आत्मिक दिमाग है प्रभु, वो आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। हाँ परमेश्वर, हर बच्चा आशीषित है, सुरक्षित है, स्वास्थ्य में चलते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु उनके जीवनों के द्वारा। आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है। हर बच्चा महान रूप से सुसमाचार को प्रचार करने वाला बन रहा है, आत्माओं को जीतने वाला बन रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपसे प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हर बच्चे के लिए। उनके परिवारों में हम शांति, आनंद और भरपूरी बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देते हैं और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you and God bless you.